एक बार आपका फिर से स्वागत है जी प्रेप इंस्टीट्यूट पे। जो आज का दिन है हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे बताया कि यूट्यूब पे फिनिशर बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इस पे हम लोग दो दिन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग हैं थर्ड एपिसोड को लेके आए हैं। पर उससे पहले कुछ आपसे एक दो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल 2 दिसंबर था तो काफ़ी मतलब ऐसा तूफान टाइप का मचा हुआ था। सब कोई यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, कोई बोले थे अभी NTLC बात हुई है, आज निकलेगा, कल निकलेगा। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज जो थोड़ा थोड़ा टाइम करके आपका कितना टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत मतलब थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करना तो सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं करोगे तो क्या JEE मेंस की क्वेश्चंस में और एडवांस पे क्या कर पाओ। और ऐसा भी नहीं है कि NTA की नोटिफिकेशन निकलेगी और एक ही दिन में फॉर्म रात तक ख़त्म हो जाएगा। तो एक टाइम आपको मिलेगा ही, तो आप टेंशन फ्री होके रहो। और एक जो आपका राइट कोर्स, वो भगवान कन्फर्म, कृष्ण भी यही कन्फर्म करते हैं, आप बस वर्क करो, इसके सिवा दूसरा कुछ आपके पास में नहीं है। तो आप बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान कम दो। जब निकलना होगा आ जाएगा नोटिफिकेशन JEE 2023 का, नहीं आ रहा है तो अपने काम में लगे रहो, नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल रखो और नॉर्मल तरीके से करते रहो। बाकी ये यूट्यूब वाले तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, जो बाकी लोग हैं कि कभी आ जा रहा है, कोई फ़ोन पे सुना देगा, कोई कुछ कर देगा, तो आप उन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके सीधा सीधा फोकस करो। हाँ, जो जिन लोगों का ये पहली बार देख रहे हो, 1 और 2 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। हमने Limit 1 कर रखा है और Limit 2 पार्ट भी हमने कर रखा है। Limit 2 पार्ट में हमने कुछ कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन करे थे। आज का टॉपिक जो हम लोग प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं वो डिफ्रेंसिएशन से ले रहे हैं और ये हल्का टॉपिक है। रिलेटिवली अगर आप लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की बात करो तो उनसे आसान होता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इन क्वेश्चंस को फटाफट करने की, और आप भी इसी स्पीड को मेंटेन रखो। आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब आपका ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट के टाइम लिमिट में कर सको। तो स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम वेस्ट करे हुए। ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये बहुत ही रूटीन टाइप का क्वेश्चन है जो आपको क्लियरली पता है कि किस टाइप से करना है। इनवर्स का है, थोड़ा सा इनवर्स है, विद रिस्पेक्ट टू VV है। मैं फटाफट एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सपोज कहीं दो फंक्शन हो जैसे U और V हो, और आपको अगर कहीं DU/DV निकालना हो, मतलब U विद रिस्पेक्ट टू V, तो आप कैसे निकालते हैं, जो भी पैरामीटर होता है, मतलब DU/ अगर X है तो DU/DX कर लो, बाई DV/DX कर लो, यही पॉइंट है। प्लस एप्लीकेशन किसका है, इन्वर्स त्रिकोण का एप्लीकेशन। अब इन्वर्स में आपको पता ही है कि अगर इसको करना है, सपोज इस पहले को यू ले लो, आप फर्स्ट पार्ट को आप यू ही ले लो, टेन इन्वर्स ये है। इसको इन्वर्स में करना है तो आपको सिंगल इन्वर्स के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, 10A+B में लाना पड़ेगा। तो क्या करो, कॉस से डिवाइड कर लोगे, कॉस से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 10x-1 बाय अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 10x+1। 10x+1 को 1 भी लिख सकते हो क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा ब्रेक करने में। और अब आप सॉल्व करोगे तो अब फटाफट करना चाहते हैं, ये 10x है और ये 1 मतलब 10π/4 है, और फिर आप सॉल्व करते रहोगे तो आपका ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1+10x, तो 1+1 के जगह पे 10π/4 और (x) आ जाएगा। और जैसे ही आपका 10π/4+10x आएगा तो अब ये सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका 10 इनवर्स, ये जो पूरा का पूरा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10x-π/4। अब पॉइंट है कि लिमिट दे रखा गया है, जो 12th में इतना ध्यान से नहीं देखना होता है, तो अब आपको ये चेक करो कि ये लिमिट क्या रेंज में है। 10 का रेंज आपको पता है, 10 का रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। अगर कभी आप इनवर्स की बात करते हैं, रेंज इन द सेंस प्रिंसिपल वैल्यू का सेंस, मेरा कहने का मतलब था। अब ये देखो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, एक्स की लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो अगर आपको x-π/4 करोगे तो x-π/4 का लिमिट करोगे तो ये -π/4 से लेके π/4 के बीच का है, तो लिमिट ये पॉजिटिव ही है। मतलब लिमिट पॉजिटिव इन द सेंस की है कि ये पॉइंट है -π/4, ये π/4 है, तो ये डिफाइंड रेंज में है, तो ये जो इनवर्स हट जाएगा और आपके पास ओनली बचेगा x-π/4, ये u है। अब अगर आप यहाँ से DU/DX करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, v बहुत आसान दे रखा गया, VX/2 दे रखा गया है, तो अगर आप DV/DX करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो 1/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कई बार देखने से मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है,
कई बार ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें कैलकुलस कम अलजेब्रा ज्यादा होता है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर टू। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो आपको एफ टू निकालना है, तो एफ टू कहने का मतलब एक्स के जगह पे टू रखोगे तो ये टू क्यूब ऐसे आ जाएगा, मतलब आपको अल्टीमेटली अब जो वेरिएबल है वो अब जो पैरामीटर से जो निकालना है वो एफ डैश वन, एफ डबल डैश टू और एफ ट्रिपल डैश थ्री, मतलब ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। जैसे मान लो सपोज कर लो आप इसको सॉल्व करोगे, स्पीड यही मेंटेन रखना बेटा, जब तक स्पीड नहीं आएगी मैं दोबारा बार बार फिर से ये बोलूंगा, स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस इफ द पिच अगेंस्ट द फास्ट एंड स्टडी। तो रेस कौन जीतेगा, जो फास्ट और स्टडी होगा। तो आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी के साथ स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालो, अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हो तो क्या आंसर आ जाएगा, यू विल हैव हियर 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एफ डैश वन प्लस, यहां से क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा ये आपका एफ डबल डैश टू आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स का वन और एफ डबल डैश टू आ जाएगा। अब यहां से एक बार और आप एफ डबल डैश भी निकाल लो, बिकॉज एफ डबल डैश निकाल लोगे तभी आप दूसरे वाले पॉइंट पे जाओगे। एफ डबल डैश एक्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6x प्लस टू ऑफ एफ डैश वन, ये आ जाएगा। अब आपको देखो दो तीन चीज निकालनी है, एक तो एफ डैश वन निकालनी है और एफ डबल डैश टू निकालनी है। तो अगर आपको एफ डैश वन निकालनी है तो एक बार और कर लो, बिकॉज एफ ट्रिपल डैश का भी आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश निकालोगे, अगर आपको एफ ट्रिपल डैश वन निकालना है तो कैसे एफ ट्रिपल डैश करोगे, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा एक बार आ करके सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया कि कोई भी एक्स की वैल्यू होगी तो एफ ट्रिपल डैश सिक्स होगा। तो आप एफ ट्रिपल डैश जो हमारा दिया हुआ है क्या है, थ्री, तो ये हमारे यहाँ से सिक्स आ जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। अब आपको बाकी निकालना है तो क्या निकालना है, एफ डैश वन और एफ डबल डैश वन। एफ डैश वन निकालना है तो क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन में एक्स के जगह पे वन रख लो, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, एफ डैश वन करोगे तो थ्री प्लस टू एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश टू, ये आ जाएगा। नाम नंबर लेना चाहो तो ले लो, कोई बात नहीं, इसी को वन ले लो। अच्छा, इसमें अगर टू रखोगे तो आपका आंसर यहाँ से एफ डबल डैश टू करोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, सीधा ही लिख लेते हैं इसको, इसको लिख लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ट्वेल्व प्लस टू करोगे ना तो टू एफ डैश वन, ये आ जाएगा आपका एफ डैश टू रखोगे तो। अब ये एफ डैश टू की वैल्यू उठा करके वन में रख लो, टू टू की वैल्यू वन में रखो, तो टू की वैल्यू वन में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एफ डैश वन करोगे तो एफ डैश वन करोगे सॉल्व करोगे तो आप मतलब यहाँ से वैल्यू है थ्री प्लस टू एफ डैश वन, ये आ जाएगा थ्री प्लस टू एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश के जगह पे क्या रखोगे, ट्वेल्व प्लस टू एफ डैश वन। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो थ्री फोर फाइव थ्री आ जाएगा, तो यहाँ से एफ डैश वन जो है आपका वो माइनस फाइव आ जाएगा। एक बार एफ डैश वन आ गया तो एफ डैश वन आने के बाद अब एफ डबल डैश टू आ जाएगा, एफ डबल डैश टू रखोगे तो ट्वेल्व प्लस टू इंटू माइनस फाइव, तो अल्टीमेटली टू आ जाएगा। अब आपके पास एफ डबल डैश टू आ रखा है और अब आपके पास एफ डैश वन आ रखा है और एफ ट्रिपल डैश सब आ रखा है। तो अब अगर आपको वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, मान लो सपोज इस एफ एक्स में रखनी है तो क्या लिखोगे, ये एक्स क्यूब मतलब टू रखना है आपको, एफ ऑफ टू रखना है, तो अगर आपको टू रखना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा एट प्लस फोर एफ डैश वन, एफ डैश वन इज वट माइनस फाइव प्लस एक्स इज टू, एफ डबल डैश इज टू प्लस एफ ट्रिपल डैश इज सिक्स। अब इनको रखोगे आंसर जो आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास माइनस ट्वेंटी एट सिक्स फोर्टीन फोर एटीन, तो ये हमारा माइनस ट्वेंटी तो ये माइनस टू आ जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो देख रहे हो ये जो क्वेश्चन है, ये दिस इज मोर एंड मोर काइंड ऑफ द विच काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज मोर एंड मोर काइंड ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना रदर देन द डिफरेंशिएशन। अब ऐसे ही ये देखो 8 अप्रैल 2019 का रखा, अगेन वही टाइप है जो अभी हमने करा था। देखो अगर आप कॉट में कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं कंफर्टेबल हो तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएट ही करना है। मैं अगर इसको कर रहा होता एग्जाम में तो मैं तो इसको 10 में ही करने की कोशिश करता। कैसे मैं 10 में लाता, तो आई विल राइट लाइक दिस, 2y को मैं ऐसे लिखता, 10 में करते हो तो आपको पता ये सब पलट जाता है, तो क्या लिखता, 10 इनवर्स cos x
माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा होल स्क्वायर होता है ये पूरे एक्सप्रेशन का। और आपको पता है टेन ए प्लस बी का क्या, टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस जो भी होता है, अगर प्लस होता है तो प्लस नीचे माइनस होता है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है ये वन होना चाहिए। यहीं से हमें क्लू मिलता है कि हमें डिवाइड किससे करना है, तभी टेन लेना बेटर है। वैसे तो कॉट में अगर फॉर्मूला याद है तो कॉट में भी कर सकते हो, बट मैं टेन को प्रेफर करता हूँ। इससे डिवाइड कर लो रूट थ्री कॉस एक्स से, अगर रूट थ्री कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस रूट थ्री साइन बाई कॉस, तो नहीं मैं गलत डिवाइड कर लिया, रूट थ्री कॉस एक्स से करोगे, हाँ ठीक है ये करेक्ट है। और यहाँ से हमारे पास अभी कुछ गलत लिखा है मैंने शायद, रूट थ्री कॉस एक्स, यस कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स, तभी वो पैटर्न पे नहीं आ रहा था, पलटोगे तो रूट थ्री से करोगे तो रूट थ्री कैंसिल, तो साइन बाई कॉस हमारा टेन एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, अगेन दोबारा से बात करोगे तो वन प्लस वन बाई रूट थ्री टेन एक्स। अब आपको पता ही है टेन वन, वन बाई रूट थ्री मतलब पाई बाई सिक्स, तो ये सारी की सारी कहानी कहाँ के लिए है, पाई बाई सिक्स के लिए। तो अब आप इसको लिख सकते हो, स्क्वायर बाद में लिख लेंगे एग्जाम में, स्क्वायर स्क्वायर पे ज़्यादा चक्कर में मत रहो, सीधा एंड में लिख लेना पाई बाई सिक्स माइनस टेन एक्स। तो आप इसको लिख लोगे टेन पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, अब ये होल स्क्वायर है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये पाई बाई सिक्स माइनस वन का पाई बाई सिक्स माइनस एक्स इसके रेंज में आता है क्या। अब देखो क्या दे रखा गया, एक्स का रेंज दे रखा गया जीरो से पाई बाई टू, तो माइनस एक्स का रेंज क्या हो जाएगा पाई बाई, देखो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप ना बेटर तरीके से बाकी भी रेंज के क्वेश्चन को, बाकी भी जो इनका लिमिट है उसको चेक कर पाओगे। तो ये माइनस पाई बाई टू टू जीरो हो जाएगा, और अगर पाई बाई सिक्स ऐड कर दोगे तो ये हमारा पाई बाई सिक्स इधर आ जाएगा, और ये वाला जो रेंज आ जाएगा वो माइनस पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो अगेन टेन की बात कर ही रहे हैं, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का रेंज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट है, तो अल्टीमेटली ये रेंज में लाई कर, रेंज में लाई करने का मतलब ये है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो क्या पाई बाई सिक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट यू राइट टू पाई बाई सिक्स। अब अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इनफैक्ट यहाँ भी टू वाई दे रखा गया है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैं इस साइड लिख लेता हूँ कि आप क्लियरिटी के साथ कर सको, हमारे पास टू वाई दे रखा गया, तो इस साइड में तो एक साइड में तो ये आ जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्लियर है, और इधर करोगे तो ये आ जाएगा टू पाई बाई सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन टू माइनस वन, नहीं नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स ही रहेगा बिकॉज वो आप ऑलरेडी माइनस वन कर चुके हो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा, तो यहाँ से बी पार्ट आ जाएगा। इस टाइप से आप कर पाओगे, मैं आंसर इसलिए यहाँ दे देता हूँ कि कभी आप खुद से भी ट्राई करो, या वीडियोज़ को पॉज करके क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो आपको एक तो एक जगह पे सारा क्वेश्चंस मिल जाए और आप उसको अच्छे तरीके से कर सको। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2019 में आ रखा है, ये हो सकता है तो आपके स्कूल एग्जाम में भी आ जाए, प्री बोर्ड अगर दे रहे हो तो प्री बोर्ड में आ जाए, बोर्ड दे रहे हो बोर्ड में आ जाए, कहीं नॉर्मल एग्जाम में भी आ जाए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको क्या करना होता है, आपको ट्राई करना होता है डी वाई बाई डी एक्स, पता है पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आप कैसे निकालते हो, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब अगर मैं डी वाई बाई डी टी की बात करूँ तो डी वाई बाई डी टी होएगा 3 sec t और tan t, sec का यही होता है, और डी एक्स बाई डी टी की बात करो तो ये 3 इंटू tan t मतलब sec स्क्वायर t। अब ये कट वट चला गया, सेक से कट गया, टेन बाई सेक, तो ये हमारा साइन टी आ जाए। अब क्या है इसके बाद, क्या है इसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो नॉर्मली आपसे मिस्टेक करते हैं बच्चे, नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, जो आपको नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है हम करते रहते हैं मिस्टेक, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो कई बार तो हम ऐसे लिख लेते हैं, सबसे तो ब्लंडर यही होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है आप। हाँ, इनको करने का क्या तरीका है, इस पे चेन रूल लगाओ, डी बाई डी एक्स लगाओ और अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करो। अब डी बाई डी एक्स करोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हो सकता है आपके स्कूल में भी काम आ जाए, और स्कूल के एग्जाम में भी कर रहे हो तो कैसे करोगे, तो साइन टी लिखोगे। अब प्रॉब्लम इज देयर कि ये साइन टी में है, ये एक्स में है, तो क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, चेन रूल लगाओगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा इंटू इसका डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स किसके बराबर है,
dt by dx करोगे तो पलट के 1 by dx by dt करोगे, dx by dt करोगे तो ये वाला पॉइंट है ना, इसी का पलटोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इसको रिवर्स करना है, dx by dt को रिवर्स करोगे तो ये यहां से आ जाएगा 1 by 3 और sec ऊपर आ जाएगा तो cos square t। बस अब t की लिमिट रखनी है पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 तो रूट 2, तो ये 1 बाई 3 इंटू रूट 2 का तीन बार करोगे तो 2 रूट 2, तो ये 1 बाई 6 रूट 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो यहाँ दे रखा गया। तो इस टाइप से कर सकते हो, तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, फटाफट क्वेश्चंस। और मैं क्या स्टार्ट में आज बोला कि ये जो अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं, लिमिट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो ये सबसे आसान वाला टाइप, आसान वाला टाइप मतलब जल्दी होना चाहिए। कभी बॉल वॉल क्रिकेट में देखते हो, सब एक तरफ यॉर्कर बॉल करने वाला है, दूसरा तरफ हल्का बॉलर कोई आ गया तो क्या करना है, हल्के बॉलर को फटाफट बाहर के बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजना है ना बेटा। तो वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होंगे, सेट में आएंगे तो भी, अदरवाइज वैसे भी डिफ्रेंसिएशन रिलेटिवली सिंपल टॉपिक होता है, तो इनमें नंबर मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे आपको एरर होने का चांस होएगा, तो तभी मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहता हूँ कि कहाँ पे हम एरर कर लेते हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हो जेई के, तो आपको पता भी होगा कि यही लेवल है और यही अल्टीमेटली मोर और लेस लेवल रहता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब एक अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ई एक्स की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा गया, आपको एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात कर लें, डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे डी वाई डी एक्स लगेगा तो इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, चेन रूल लगा करके ही होएगा। लेकिन सबसे पहले लिमिट की बात कर लेते हैं, एक लिमिट क्या दे रखा गया है, x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जहाँ जीरो होगा वहाँ y की क्या लिमिट होगी, तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, e रेस टू पावर y इस इक्वेशन में जीरो इज इक्वल टू e, e का मतलब वन, तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू वन होगा। तो एक बात तो क्लियर है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू व्हाट, वन, ये पॉइंट है जो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब डिफ्रेंसिएशन की बात करो, यहाँ से करो ई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस चेन रूल लगेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से सॉल्व करोगे। अब अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ई वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस वाई लिखोगे, यही जाएगा ना दूसरे साइड में, तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस वाई बाई ई वाई प्लस एक्स। अब अगर पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते हो, क्या दे क्या रखा गया, फटाफट ध्यान एक बार आपको बिल्कुल जो चीता कहते हैं ना, अल्टीमेटली बनना पड़ेगा, नहीं तो रैंक का मेरा जाएगा। और जितने मतलब जो सोच रहे हो, जो एक जहां जाना चाह रहे हो वो रह जाएगा, तो आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड पे भी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू वन है तो आप यहां से रखो e रेज टू पार वन, तो वन प्लस जीरो तो माइनस वन बाई ई है। अब पहला डी बाई डी एक्स ही निकालना था, तो माइनस वन बाई ई यहाँ पे है और माइनस वन बाई ई यहाँ है, दो आ गया ना, तो मतलब फिर आपको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन सेम रहता है तो एक ही ऑप्शन है तो फिर वहीं से हिट कर दो, अदरवाइज अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे ई वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या करोगे ई वाई प्लस एक्स इंटू माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस को साइड रखो कि उससे कहीं कन्फ्यूजन ना हो, वाई का क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस वाई इंटू इसका करोगे ई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का वन। अब आपको वैल्यूज रखते रहना है, y के जगह पे 1 करोगे तो ये e आ जाएगा, dy by dx करोगे तो माइनस वन बाई ई आ जाएगा, तो माइनस वन यहाँ से आ जाएगा, ये y के जगह पे 1 करोगे 1 e 1 बाई ई, अच्छा ये तो dy by dx प्लस e तो 0 ही हो जाएगा, ये तो आपने कर रखा, तो ये वाला पार्ट गया, तो ये आपके पास माइनस वन बाई ई स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस बाहर है ये 1 बाई ई स्क्वायर आ रहा है, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, कहीं एक मिस्टेक हो रही नेगेटिव की, यस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई ई है तो माइनस माइनस प्लस वन बाई ई आ जाएगा, तो आपका बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा भी अगर आप चूकोगे, यहां तो ऑप्शंस लिखा हुआ है तो ठीक है आप देख सकते हो, लेकिन अगर बाकी जगह पे थोड़ा भी मिस्टेक्स होने का चांस होगा, तो मैं तभी बार बार बोलता हूं फास्ट होना है लेकिन एक्यूरेट होना है, और उसके लिए आपको बिल्कुल सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये पावर उबर है, लॉग वॉग है, तो डेफिनेटली लॉग लेना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। कैसे लॉग लोगे, कैसे करोगे, तो उसका जो तरीका होगा वो हमारा क्या मेथड होएगा जिसपे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो ये होगा टू वाई
log of 2x ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा ये कई बार ना ये 4e का पावर नहीं है, अगर ऐसे 4e का पावर होता, कुछ लोग कंफ्यूज थे सर बैच में बता रहे थे कि सर ये 4e का पावर ऐसे पूरे पे नहीं लेना, बिकॉज 4 अलग है e अलग है, तो जब आप इस पे log लगाओगे तो आप कैसे निकालोगे, log 4 प्लस 2x माइनस 2y इंटू log e, log e तो 1 होता है, तो आप ऐसे करोगे, आप समझ में आ गया क्या, मतलब 4 को अलग करोगे और इसको अलग करोगे, तो इस टाइप से आप मतलब इसको कैलकुलेट करोगे। अब क्या है ना, बिकॉज क्वेश्चन में dy बाई dx है तो y को एक जगह लेके आओ, तो y को यहाँ पे लाओगे तो 2y, तो क्या है log 2x प्लस 2y ही है, 2x प्लस 2y करोगे, और ये log 4 को भी आप चाहो तो लिख सकते हो, log 4 को लिख सकते हो 2 raise to power 2 प्लस 2x है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस 2x। अब ये सब जगह 2 2 है ना, इधर भी 2 इधर भी 2, तो एलिमिनेट करो तो y 2y 1 प्लस log 2x आ जाएगा। अब अगर आप एलिमिनेट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये y भी है, तो अल्टीमेटली y विल बी इक्वल टू log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस log 2x। अब तो आसान है, अब तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो इजीली जो भी डेरिवेटिव्स होएगा क्वेश्चन रूल में ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं फिर भी कर देता हूँ एक बार, अगर आप डी बाई बाई डी एक्स करोगे तो क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्वेश्चन रूल क्या होगा, 1 प्लस log 2x होल स्क्वायर, यहाँ से यूज करोगे तो 1 प्लस log 2x ही आए, log 2x, और इसको करोगे log 20 प्लस 1 बाय x माइनस log 2 प्लस log x, और इसका करोगे तो 1 बाई 2x इंटू 1 बाई 2x इंटू 2, ये आ जाएगा सारा का सारा, ये तो क्रॉस में आ जाएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, x है यहां से अगर करोगे तो 0 प्लस 1 बाई x है, log 2 log x इंटू 1 बाई 2x है, तो ये सॉल्व वॉल्व करोगे तो जैसे कि ऑप्शन दे रखा गया, जैसे इसका अगर आप कर रहे हो ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, log x का 1 बाई x हो जाएगा, माइनस log 2 प्लस log x इंटू 1 बाई 2x, इनका करोगे तो 0 log 2x का 1 बाई 2x इंटू x, तो यहाँ से 2 ले लोगे, अब इनका एलसीएम उल्सीएम ले लोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, क्रॉस व्रॉस करके ना आपका बी वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, तो वो आप चेक कर लेना, ओनली एलसीएम लेना है इसको, तो ये आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप, मतलब ये तो देखो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस log 2x बाई x माइनस log 2 प्लस log x लाइक दिस, तो यहाँ से आप इनको भी करोगे तो log 2x ही आ जाएगा, log 2 प्लस log x को करोगे तो क्या होगा, चाहो तो इनको आप यहाँ पे ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, क्या log m प्लस log n, तो log mx भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप लेना चाहो तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, आई थिंक ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो ये तरीका है जहाँ से आप इसको कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कर सकते हो। अब ये क्या क्वेश्चन दे रखा गया है, कंपोजिट फंक्शन दे रखा गया और आपको डेरिवेटिव्स निकालने, तो किस टाइप से आप कंपोजिट फंक्शन में डेरिवेटिव्स निकालोगे, देखो फटाफट स्टार्ट करो, राइट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट रूल लगाओ, पहला क्या होगा, फर्स्ट होएगा एफ डैस एफ ऑफ एफ एक्स, ये पहला आ जाएगा, इनटू फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये आ गया, फिर ये गया बाहर, अब इसके बाद इसका नंबर सेकंड वाले का नंबर है, तो एफ डैस एफ एक्स ये हमारा सेकंड वाले का नंबर है, फिर थर्ड वाले का नंबर है एफ डैस एक्स, ठीक है ना, प्लस फिर आगे का क्या करोगे, टू एफ एक्स इंटू एफ डैस एक्स, बस फटाफट क्या है, फिर टेंशन ही नहीं है, एक्स ये निकालना है आपको, वैल्यूज रखनी है इसको। अब अगर x के जगह पे 1 रखोगे तो ये f1 फिर f1 फिर f डैस 1, तो ये आपका f डैस 1 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये f डैस 1 तो 3 इंटू ये f डैस 1 तो सॉरी ये इंटू f, तो ये 3 और ये भी 3 तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 तो अल्टीमेटली ये 27 प्लस 6 तो 33 आ जाएगा। इन सब टाइप से ये सब क्वेश्चंस मतलब एक मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो ये कर सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है,
सबसे पहले तो y निकाल लें dy by dx, तो इसका मतलब ये कहता है कि और y सेपरेबल भी है, तो पहले तो y को ही निपटाओ। कैसे निपटाओगे y को? मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको आप लिखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अगर आप y की बात करते हो तो आप अगर y स्क्वायर की बात करोगे तो y स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग, ये माइनस एक्स लॉग मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स, ई बेस में है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये है हमारा। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एक्स इज इक्वल टू ई पे, तो करो डिफ्रेंशिएट कर लो यहीं पे करो। अच्छा एट एक्स इज इक्वल टू ई है ना, तो पहले लिमिट की वैल्यू भी निकाल लो, एक बार एक्स के जगह पे ई रखो, ई रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर, और ये तो माइनस गया काम से बिकॉज ये तो e log e 1 हो जाएगा, e 1 log 1 0 हो जाएगा, तो ये तो किसी काम का है नहीं, तो y के जगह पे आप क्या लिखोगे अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, ये आपको y की वैल्यू आ गई। बस फिर क्या है, y की वैल्यू आ गई तो अब तो dy by dx रखो और वैल्यू पुट करो, मतलब ये ऐसे ही आ जाएगा 2y dy by dx, ये 2x प्रोडक्ट 2 यहाँ पे लगाओ, x लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का करोगे तो 1 बाई एक्स इंटू, फिर नहीं लॉग का करोगे तो 1 बाई लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस ये लिखो लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स करोगे इंटू एक्स का 1। अब लिमिट रखो एक्स टेंस टू ई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ई रखो, जहाँ जहाँ वाई है, इनफैक्ट मतलब आप अगर इसको सॉल्व करोगे एक्स के जगह पे ई रखोगे तो 2e माइनस ये कट जाएगा, 1 बाई लॉग ई तो 1 हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ लॉग ई तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, y नीचे आ जाएगा तो y का जगह 4 प्लस ई है, तो ये वाला b वाला पार्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन, क्लियर? तो इनमें ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आप सीधा सीधा ही सॉल्व करोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये ऐसे ही नाइन्थ देखो, अगेन 10, ये कुछ क्वेश्चन हमने मतलब थोड़े से प्री वाले भी लिए हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा कब आ रखा है 2017 में आ रखा है, बट अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं और सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होती। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, तो सबसे पहले तो टेन इनवर्स है, इनको सेटल करने की कोशिश करो, टेन इनवर्स टेन टू थीटा का फॉर्मूला पता है ना, 2 tan theta by 1 minus tan square theta, तो यहाँ से रखोगे 9 कहने का मतलब 9x है, तो इसको लिखो 3x पावर, ऐसा करो कि ये वही रह जाए, क्यूब ही है, और यहाँ से लिखोगे तो 2 और ये x raise 2 into 3 into x raise to power 3 by 2, तो यही पॉइंट है 6x root x आ गया। तो अगर आप इसको अब सॉल्व करोगे एलिमिनेट करोगे तो 2 tan inverse यही हो जाएगा 3 x रेज टू पावर 3 बाई 2, बस अब क्या है डिफ्रेंशिएट करना है, अब तो कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं, डिफ्रेंशिएट करोगे अब ये तो 5 सेकंड में हो जाना, ये 2 बाई इसका करोगे तो 1 प्लस ये दोबारा 9x क्यूब आ जाएगा, इनको डिफ्रेंशिएट करोगे 3 इंटू 3 बाई 2 एक्स रेज टू पावर हाफ 2 चला जाएगा 9x हाफ। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे दे रखा गया दिस इज इक्वल टू रूट एक्स जी एक्स, तो ये रूट एक्स कट कर लो तो जी एक्स आपका ये आ जाएगा 9 बाई, तो ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी कंपोजिट का है, देखो कभी इनवर्स दे रखा गया है, इनवर्स का हमें पता है कि जब कहीं कोई इनवर्स होता है तो जी एक्स मतलब क्या होता है, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स होने का मतलब ये होता है एफ ओ जी ऑफ एक्स एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इनवर्स निकालने का फंडा होता है, तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं बिकॉज एफ इनवर्स का एफ डैश का वैल्यू दे रखा गया, तो अब आप इसको निकालोगे एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश जी एक्स, ये पता ही है ना एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स होता है, तो जी एक्स आ जाएगा इंटू क्या रखोगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको जी डैश एक्स निकालना है तो जी डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो अब आप यहां से फटाफट कर लोगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई
एफ डैस जी एक्स, और एफ डैस जी एक्स किसके इक्वल है, एफ डैस जी एक्स की अगर बात करोगे तो एफ डैस जी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो यही है ना, एफ डैस एक्स है, तो एफ डैस जी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे जी एक्स लिख लोगे तो ये तो कट ही गया, ये पूरा ऐसे आ जाएगा, तो ये डी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आज हमने क्या किया कि आज को हम लोगों ने फटाफट जो क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में आए हुए थे डिफरेंशिएशन बेस्ड हमने को करा है, और ये कुछ हमारा, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर पूछ के कॉल करके आप जान सकते हो। क्लियर? अगली क्लास में हम जैसे कि आपको बताया कि लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब कर लो, आप अच्छा लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब और बल्ले सब कर लो कि आपको टाइमली मिलता रहे, और ये कॉन्टिन्यूएशन में स्टार्ट हो गया तो आप अगर इसको रिकैप करोगे प्रैक्टिस करोगे तो इनका दो पर्पस है, एक तो ये पर्पस है कि आप कैसे करो क्वेश्चन को, अप्रोच कैसे करो, आप पढ़ चुके हो आप, तभी हम इस फिनिशर बैच की बात करते हैं, आप पढ़ चुके हो बट आपसे वो पूरा अप्रोच नहीं हो पा रहा है, कहीं से आप क्वेश्चन मिस हो रहा है, कोई पॉइंट है जो मिस हो रहा है, तो अगर आप इसको रिपीटेडली करोगे ना, रिपीटेडली करने से क्या होता है, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और आप फिर एग्रेसिव के साथ, एग्रेशन के साथ ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हो, और वही पर्पस है इस जो यूट्यूब पे ये जो फिनिशर सीरीज चल रहा है तो उसका यही पर्पस है। और अगर आपको लगता है कि और भी अगर आपको कोई क्वेरीज है कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई क्वेरी है, तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम उसको रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।